सो यो व्हाट्स अप गाइस, आ गए एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ में। तो गाइस वीडियो देखने से पहले ना गाइस सबसे पहले जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में और अपना केडी बताओ यार, किसी के बाप का कर्जा नहीं खाया अपन ने भैया, नीचे कमेंट कर देना, शर्माना मत, 0 का 1 का जितना का भी मेरे भाई केडी है नीचे कॉमेंट मार दो, मैं आपकी कॉमेंट्स का भैया बड़े वेट कर रहा हूँ तरीके से, ठीक है। और गाइज मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे यार कि कैसे केडी बढ़ाया जाए, देखूँ तो रियलिटी क्या है। और गाइज मैंने क्या देखा पता है, एक बंदा क्या बोलता है, बोलता है भैया तुम हेडशॉट ज्यादा मारोगे तो तुम्हारा केडी इंक्रीज होगा, तुम्हें बॉडी पे एम नहीं लेना है, हेड पे लेना है तभी जाकर आपका केडी इंक्रीज होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई केडी। मैंने कहा अजीब चूती आ पाया यार, ये कैसे मतलब यार क्या लॉजिक लगाया इस बंदे ने। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, रियलिटी किसी को नहीं पता, यूट्यूब पर ना गाइज हजारों वीडियोस आपको भैया ऐसी पड़ी है, क्या बताऊँ, 10 का केडी, 12 का केडी, 50 का केडी, फलाना ढिमकाना, इतनी वीडियोस पड़ी हैं क्या ही बताऊं। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप खुद रिलेट कर पाओगे, और गारंटी के साथ बोल रहा हूं गाइस अगर आप इन पॉइंट को फॉलो करते हो या फॉलो नहीं भी करते हो भाई, लेकिन एक बार जरूर से पॉइंट सुन लेना। और गाइस जो 4-5 पॉइंट मैं बताने वाला हूं, आप अपनी मतलब रियलिटी बताना कि ये 4 पॉइंट में से आप कौन सा पॉइंट फॉलो करते हो, कौन सा पॉइंट आपके साथ होता है, आपको सब कुछ बताना है नीचे कॉमेंट करके गाइस। और आज के हमारे इस वीडियो में भी कूपन कोड मिलने वाले हैं, अगर आपको नहीं पता कूपन कोड क्या होते हैं तो भाई क्या होता है, हमारी वीडियोस में कूपन कोड मिलते हैं जिससे कि आप 100 UC ले सकते हैं गाइस अपने अकाउंट में, तो भाई 2 कूपन कोड मिलते हैं, 2 लोग जीत सकते हैं इजीली। अगर आपको नहीं पता कूपन कोड क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी हाउ टू यूज रिडीम कोड वाली, जाके उस वीडियो को देख लो यार। और गाइस पता क्या है, आपको मेरी स्क्रीन में मेरी पबजी आईडी शो हो रही होगी, तो भाई जाके चेक कर लो यार, थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी दे देना भाई छोटा भाई समझ के। और गाइस ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं, और चलो यार विदाउट वेस्ट एनी सिंगल ऑफ सेकंड लेट्स गेट जंप इन द वीडियो। सो गाइस पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है कि आपको केडी इंक्रीज करना है तो करना क्या है, तो भाई आपको ये क्लियर करना पड़ेगा मेरे को केडी चाहिए क्यों, केडी चाहिए मेरे को भैया अपने फ्रेंड के साथ शो ऑफ करने के लिए या फिर अपने किसी क्लैन को ज्वाइन करने के लिए। होता क्या है ना गाइस, कोई क्लैन होते हैं जो कि हाई रिक्वायरमेंट रहती है उनकी, 5-6-7 का केडी मांगते हैं, अगर आपको उनको ज्वाइन करना है तो केडी मैटर नहीं करता वहां पर, ठीक है, आपका मैटर करेगा गेम प्ले। अगर कोई बंदा आपका गेम प्ले देख रहा है, स्किल्स बहुत ही ओपी है आपकी, तो भैया इजिली वो बोलेगा भाई कि यार तुम मेरे क्लैन में आ जाइए हो जा फलाना ढिमकाना, ठीक है, आप एक बार उस बंदे के साथ खेलोगे और आपकी स्किल्स मैटर करेंगे, ठीक है। अब देखो यार केडी इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आपकी स्किल्स होगी, अब जब बंदे स्किल्स होगी तो आप बंदों को इजीली पेलोगे यार, तो इजीली पेलोगे तो किल ज्यादा मिलेंगे, किल ज्यादा मिलेंगे तो यार आपकी ऑफ कोर्स यार केडी मेंटेन रहेगी और इंक्रीज भी होगी। अब मैं वो आपको ये ट्रिक नहीं बताऊंगा भाई कि तुम ये कर लेना, ये ट्रिक है कि तुम ये करोगे तो तुम्हारा केडी मेंटेन होगा, सिंपल सी चीज है गाइस, आपको अपनी भैया स्किल्स इंप्रूव करना, आपको अपना गेम प्ले पे देना है कि आपका गेम प्ले कैसा जा रहा है, आप कितने किल ले पा रहे हो, ठीक है, ये सिंपल सी चीज है, केडी का कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, बंदों को इजीली मार सकते हो क्लोज रेंज में, मिड रेंज में या फिर हाई रेंज में, तो आपका केडी इजीली मेंटेन हो गया यार, दिक्कत की कोई बात नहीं है। लोग बोलेंगे ये तो फलाना ढिमकाना बताएगा, कुछ नहीं है, किल टू डाई रेशियो कैसे बढ़ाना है, ये कर ले वो कर ले, सिंपल सी चीज है, स्किल्स बढ़ा लो बस। पॉइंट नंबर 2 गाइस, अब बात करते हैं आपको केडी इंक्रीज कहाँ पे करना है, सोलो पे, डुओ पे या स्क्वाड पे। अगर आपको एक जगह मेंटेन करना पड़ेगा, आप सोलो भी खेल रहे हो, डुओ भी खेल रहे हो, स्क्वाड भी खेल रहे हो, तो ऐसे तो आपका केडी मेंटेन नहीं होगा यार, सब जगह डाइवर्ट हो जाएगा आपका केडी, क्योंकि आपका गेम प्ले एक जगह फोकस नहीं है। अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हो तो सबसे पहली चीज आपके टीममेट अच्छे होने चाहिए, ठीक है, टीममेट से ये है ना गाइस कि आप एंड तक जाओगे ना तो आपका केडी इजिली मेंटेन रहेगा। अगर आप सोच रहे हो मिड रेंज में ही फाइट लेना चाहते हो तो भाई आपके टीममेट नहीं है अच्छे, 2 अच्छे हैं 2 बेकार हैं गाइस, तो ऐसे नहीं चलेगा कभी, चारों टीममेट अच्छे होना जरूरी है, ठीक है, तो ये चीज बहुत ही जरूरी है गाइस। अगर आपके चारों टीममेट, मान लो गाइस आपने एक बंदा नॉक करा, आपके टीममेट ने 3 बंदे नॉक कर दिए, ठीक है, तो मान लो मतलब किल कर दिए, चारों बंदे स्कॉट खत्म हो गए, आपको 1 किल मिला, ऐसे ही गाइस आपकी 3-4 फाइट होती है, आपकी 4-5 किल हो जाती है, 3-4 बॉट आप मिल जाते हो, 5-7-8 का केडी मतलब इजिली मेंटेन कर सकते हो गाइस अगर आपकी स्कॉट अच्छी है तो, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो गाइस 3rd पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सब लोग इसको इग्नोर करेंगे, पता है मेरे को, लोग लग जाएंगे वीडियोस देखेंगे हाउ टू इंक्रीज केडी यूट्यूब पे और वीडियो हजारों आ जाएंगी और आपको देखने को मिलेगा ये कर लो किल लो लो किल
कैसे ले लो, आपका इंटरनेट सही नहीं है, आपका फोन सही नहीं है, कैसे किल ले लेंगे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोच रहे हो 2 GB रैम के साथ तुम 8 का केडी ले जा लगे, ना भैया ना, मतलब ऐसा सोचना भी नहीं। आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका फोन अच्छा नहीं है, कोई भी टिप कोई भी ट्रिक्स का आपकी काम अच्छी नहीं आएंगी। अगर आपका फोन लैग कर रहा है, आपके पिंग इश्यू है, फलाना ढिमकाना है, इंटरनेट प्रॉब्लम है, लोग क्या करते हैं ना, सबके पास वाईफाई होते हैं, अच्छे अच्छे फोन होते हैं, एप्पल आईफोन आईपैड में खेलते हैं, उनका केडी तो इजिली मेंटेन रहता है भैया उनका। आप इजिली घुस सकते हो यार कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में आप कहीं घुस रहे हो, एकदम से पिंग हाई हो गया, कैसे मार पाओगे यार, केडी ही नहीं इंक्रीज हो गया यार। लोग इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और सीधे टिप्स देखते हैं और बोलते हैं भाई यार इसने ये बताया मैं भी यही करूंगा तो मेरा भी केडी इंक्रीज होगा। अभी घंटा होगा यार, कैसे होगा यार, फोन तुम्हारा लैग कर रहा है, इंटरनेट अच्छा नहीं है, फोन में भैया पावर ही नहीं है उतनी, कैसे खेल लोगे, 4 बंदों को कैसे पेल लोगे यार, इतना इजी नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपने केडी इंक्रीज करना है, अगर आपका फोन अच्छा नहीं है छोड़ दो केडी, नहीं करना इंक्रीज, आपको एज अ गेम प्ले भैया एंटरटेनमेंट के हिसाब से खेलो, भाड़ में जाए केडी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो आपके चक्कर में जाओगे केडी तो इंक्रीज नहीं होगा, आप मतलब यार ऐसा खेलोगे जैसे डर डर के खेलोगे यार, और सोचोगे बंदा मेरे को पेल ना दे, इस वजह से आपका गेम प्ले खराब होगा। बिल्कुल निस्फिक्र होके खेलो, जाओ बंदों को पेलो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बोलोगे मेरे को केडी से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को टायर से फर्क नहीं पड़ता, मेरा कितना प्लस हो रहा है, मेरा कितना केडी जा रहा है, अब एक भाड़ में जाए मैं तो बंदों को पेलूंगा। सिर्फ इस हिसाब से खेलोगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से खेलोगे तो इजिली आपके किल भी अच्छा होगा, देन उसी के साथ साथ आपका गेम प्ले भी इंप्रूव होगा। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या रहने वाला है, तो गाइस पॉइंट नंबर 4 में क्या है गाइस, अब देखो यार, आपने फ्लेयर ड्रॉप मंगाया, आपके पास ओम मिल गई, ठीक है भैया मैं तो ओम चलाऊंगा, ओम चलाते आती है भाई तेरे से पहले, तू अपने आप से खुद से बता तेरे से ओम चलाते आती है, हाँ बोलेगा दूर बंदा बैठा मैं हेडशॉट मार देता हूँ, अबे इसको स्नाइपिंग नहीं बोलते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, सीक्रेट टिप, मैं कभी स्नाइपिंग यूज नहीं करता, भले ओम मैं छोड़ के भाग जाऊं घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ओम से मतलब एक शॉट देगा मतलब स्प्रे डीपी या फिर एम4 का स्प्रे इतना तगड़ा होता भाई, तू नॉक करके वहीं के वहीं किल कर देगा। और गाइस अगर आपके टीममेट स्नाइपिंग करते हैं तो भाई आप देखना स्नाइपिंग का मौका ही मत दो यार, उनको स्प्रे सबसे बढ़िया है, क्लोज रेंज में मिड रेंज में आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप क्लोज रेंज फाइटिंग हो रही है गाइस तो आपकी स्नाइपर वहां कवर काम नहीं आएगी, आप रिलोड ही करते रह जाओगे और आपके टीममेट किल ले जाएंगे। क्या होता है ना, अगर आप 40 MO एक्सटेंड मैग लगा के चला रहे हो गन को, तो गाइस मान लो आपने एक बंदे को नॉक करा और आप सोच रहे हो दूसरे बंदे को भी आप नॉक कर सकते थे लेकिन नहीं कर पा रहे, उसी के साथ आपके टीममेट ने उसको नॉक कर दिया, इसकी वजह से भैया का किल तो चला गया। लेकिन गाइस अगर आप वहां पर भैया दूसरी M4 या फिर AR की गन यूज कर रहे हो तो आप तुरंत गन को स्विच करके इजीली भैया वहां पर दूसरा बंदा भी नॉक कर सकते थे। तो ये होता है गाइस, अगर आपको स्नाइपिंग करनी नहीं आती है, लॉन्ग रेंज में स्नाइपिंग ठीक है, एंड सर्कल में स्नाइपिंग ठीक है, लेकिन क्लोज रेंज में स्नाइपिंग घटिया है, टट्टी है, ठीक है, तो आपको कोई चीज यूज नहीं करनी है, सिंपल सी चीज है गाइस, आपको भैया क्लोज रेंज में फोकस करो, जितना अच्छा क्लोज रेंज क्लोज कॉम्बैट आपका रहेगा उतनी ही ज्यादा आपको किल मिलेगी, मेरी गारंटी है। स्नाइपिंग करना छोड़ दो, मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा स्नैपिंग करना छोड़ दो, लेकिन अगर आपको केडी मेंटेन करना भैया तो स्नैपिंग करना छोड़ दो। आई नो आप बोलोगे यार मैं स्नैपिंग करके ही 8-10 के किल ले लेता हूं, हर कोई नहीं लेता, बता ना भाई, ठीक है, लोग शो ऑफ के चक्कर में जाते हैं, मेरे पे ओम है मैं ओम चलाऊंगा, जिससे चलाते आती अपने फ्रेंड को नहीं देंगे और भाई लगे रहेंगे लो धक्का पका पका चगल ये समझ गए होगे यार कि आपको कौन सी गन यूज करनी है। बढ़िया M4 उठाओ और AKM उठाओ और पेल डालो यार बंदों को, घुस घुस के पेलो, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट बताना स्किल्स इंप्रूव करो, इट ऑटोमेटिकली KD इंप्रूव होगा, ठीक है। सो गाइस अब सुनो यार, अब ओवरऑल बात करूं गाइस, मैं सही बताऊं ये 5 पॉइंट नहीं है, जो 4 पॉइंट बताए इन 4 पॉइंट में अगर आप अच्छे हो, आपका फोन अच्छा है, इंटरनेट अच्छा है, आपका डिवाइस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपकी स्किल्स भी अच्छी हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली KD बढ़ेगा यार, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका ये सब नहीं है, आपका फोन अच्छा नहीं है, इंटरनेट में प्रॉब्लम आती है, पिंग 200-250 का जाता है, तो भैया KD छोड़ दो, आप एज अ एंटरटेनमेंट के हिसाब से गेम खेलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शो ऑफ के चक्कर में मत खेलो, ऐसा सोचो यार एक दो गेम खेलना है, कौन सा जिंदगी में बड़ा है? मतलब हम लोग को क्या होता है, हम लोग यूट्यूबर लोग हैं, हमको कंटेंट बनाना होता है। अगर आप ही एग्जांपल लो, आप ही हमारी प्रोफाइल में आप आ रही केडी अच्छे नहीं है, अगर आप हमारा गेम प्ले देख रहे हो तो भाई मतलब तुम ही बोलोगे यार ये बंदा नूब है। और गाइस हमको क्या करना होता, हम हॉट ड्रॉप पे ही उतरते हैं, भले क्या होता है ना गाइस 5 मैच हम हॉट ड्रॉप उतर रहे हैं तो 2 से 3 मैच हम मर जाते हैं, क्योंकि यार हम बस हॉट ड्रॉप नहीं उतरते, क्राउन लॉबी एस लॉबी में हम जाते हैं तो भाई हॉट ड्रॉप उतरते हैं, तो भाई इजीली
मर जाते हैं, दो या तीन मैच या फिर हम इजिली निकाल लेते हैं ठीक है, लेकिन भाई तीन पांच में से तीन मैच तो हम मर जाते हैं, क्योंकि यार वहां पर हम बस नहीं आते यार, बहुत ही अच्छी अच्छी टीम्स होती हैं जो कि आती हैं और हर बार गन नहीं मिलती है गाइस, ऐसा सिचुएशन बनती रहती है गाइस हमारे साथ वहां पर। तो भाई हमारा अलग है, हमें मतलब एडी भी मेंटेन करना है, गेम प्ले भी बनाना है, आपको दिखाना भी है, तो सिंपल सी चीज है, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, फोन अच्छा करो, फोन अच्छा नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने हिसाब से खेलो, गेम को एज अ गेम लो, अपना लाइफ टाइम उसमें वेस्ट मत कर दो अपना टाइम ठीक है, सिंपल सी बात है, गेम को मैंने बता दिया। और गाइस आज के मैच वीडियो का फर्स्ट एंड सेकेंड कूपन कोड आपको स्क्रीन में शो हो रहे होंगे, शो हो रहे हैं तो नीचे कॉमेंट मार देना, इन चार सिचुएशन मैंने जो पॉइंट बताया आप कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट लगा आपको नीचे कॉमेंट मारो, और किसका कितना केडी है वो भी नीचे कॉमेंट मारो, मैं आपकी कॉमेंट्स का वेट कर रहा हूं, अगर आपको कूपन कोड के बारे में नहीं पता डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले चेक कर मेरे भाई लोग, बाय।